काफ़ी टाइम से मैंने आपके साथ कोई DIY वीडियो शेयर नहीं किया था। आज मैं आपके साथ वॉल हैंगिंग शेल्फ DIY शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज होम क्राफ्ट। इस चैनल पे मैं डेकोरेशन और होम डेकोर DIY रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक वुडन शेल्फ बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे प्लाईवुड में होल करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ प्लाईवुड में होल करने के लिए। और ये मैंने 50x16 सेंटीमीटर का प्लाईवुड लिया है और इसके कॉर्नर्स पे मैं मार्किंग कर रही हूँ जहाँ पे मुझे ड्रिल करना है। मेरे पास घर पे ही ड्रिल मशीन अवेलेबल थी, तो इसलिए मैं घर पे ही ड्रिल कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर से भी इसको कटआउट करके वहाँ से ड्रिल करके मंगवा सकते हैं। और इसके सभी कॉर्नर पे मैंने सेम साइज़ के होल्स ड्रिल किए हैं, सभी सेम साइज़ के हैं। और जो प्लाईवुड के एजेस हैं उसको मैं वॉलपेपर स्टिकर से कवर करने वाली हूँ। और ये मेरे पास वुडन शेड ब्राउन कलर में एक वॉलपेपर अवेलेबल था, तो मैं उसका ही यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ इसको कवर करने के लिए। ये प्लाईवुड के साथ मैच हो रहा था। और जो प्लाईवुड का ऊपर के एजेस हैं उसको भी मैंने वॉलपेपर से ही कवर किया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कार्ड का इस्तेमाल किया है इसके एजेस को अच्छे से स्टिक करने के लिए, ताकि कोई फोल्डिंग्स ना आए और अच्छे से ये स्टिक हो जाए। प्लाईवुड को हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे जूट रोप का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने 3 सेम साइज़ के 60 सेंटीमीटर के रोप्स कट कर लिए थे, और उसके ऊपर के साइड में मैं तीनों को मिला के नॉट लगा रही हूँ। और जैसे कि बालों में चोटी बनाते हैं उसी तरीके से मैं यहाँ पे जूट रोप से चोटी बना रही हूँ। और मैंने 3 जूट रोप इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि इसको स्ट्रेंथ मिलेगी, थोड़ा हैवी कुछ सामान भी ये हैंडल कर लेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 जूट रोप लिए हैं। अगर 1 जूट रोप लेते तो ये थोड़ा सा वेट हैंडल नहीं कर पाता, मुझे ऐसा लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं और उसकी चोटी बना दी है। और ये जूट रोप पूरी रेडी हो गई है। अभी मैं इसको होल्स में इंसर्ट करके इसके नीचे के साइड में इसको टाई कर रही हूँ, ताकि इसमें फंस जाए और अच्छे से इंसर्ट होके अच्छे से बैठ जाए। और इसी तरीके से मैं अभी इसके चारों साइड पे रोप को टाई कर लेती हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसको पूरी तरीके से टाई कर लिया है। और इसको आप इस तरीके से भी हैंग कर सकते हैं, पर मैं इसको अलग तरीके से हैंग करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी दोनों साइड की रोप्स हैं उसको ज्वाइन करके टाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक और एक छोटी जूट रोप कट करके ली है, जिसको दोनों को मिला के मैं इसको ऊपर से टाई कर रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ये कम्प्लीटली रेडी हो गया है और हैंग करने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। तो चलिए अब हम इसको हैंग करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 नेल्स लगाए थे इसको मेजर करके, ताकि इसको परफेक्टली मैं वॉल पे हैंग कर सकूं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैं इसको डेकोरेटिव स्टफ़ के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। मैं इसको मेरे घर के कॉर्नर में डेकोरेट करने के लिए इसको बनाया है, जो कि वहाँ पे पूरा ब्लैंक था, कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक हैंगिंग वाला कुछ सोच के इसको बनाया है। बहुत ही यूज़फुल है, आप इसको कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है, आप इसको सामान रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।